देखिए ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड, पूरा का पूरा हमारा बोर्ड और मुस्लिम समाज इसकी कड़ी निंदा करता है, मुखालफत करता है और वसीम रिजवी को बोलता है ये जो तूने काम किया है ये गंदा काम तूने किया है और सुप्रीम कोर्ट से हम गुजारिश करते हैं उसकी याचिका को रद्द करें और उस पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर करें और मुस्लिम समाज के जितने भी लॉयर्स हैं उनसे हम अपील करते हैं इसके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर दर्ज कराएं, इस पे केस चलाएं और रिजवी जो ये ब्रांड बेवों का पैसा खा के जो एम्पायर अपना इसने खड़ा करा है उसकी भी इंक्वायरी हो। वक्फ बोर्ड पे इसने कब्जा किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के क्या इस प्रॉपर्टी इसके अंडर में है उसकी इंक्वायरी हो और ये मुसलमान कहने का लायक ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है। हम मुस्लिम समाज से इसका बहिष्कार करते हैं कि मुसलमान नहीं है और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ऐसा कोई कानून बनाए कि किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई जा ना सके। क्या माना जाए कि आखिर इस बयान के पीछे, इसकी ये याचिका के पीछे इसकी मंशा क्या रही होगी? देखिए मंशा तो इसकी है सिर्फ अपना जुर्म छुपाना, इसका जुर्म इतना बढ़ चुका है कि अब इसका अंत आना तय है और अल्लाह ताला की तरफ से इसको नालत पड़ेगी और अंत इसको जेल होगी। और देखना आप आज अगर ये कहता है कि मैं मुसलमानों के लिए कुछ करता हूं तो आए ना मुसलमानों के बीच में, अभी दिख जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ये क्या सस्ती लोकप्रियता पाने का सबसे आसान तरीका यही मिला है अब लोगों को? अब उसका मुझे लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो ये सोचता है कि अगर ये चीज मैं बोलूंगा मैं अपने माशरे में बहुत अच्छा कहता है। हम कह रहे हैं अगर तूने ये चीज बोली है तो आ तो सही माशरे में, हम दिखाएंगे क्या चीज होती है। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, ये ये आप जो हरकतें कर रहे हो इससे माशरा खराब होता है और हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको निकाल के बाहर फेंकें। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मंच से कहा था कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो यानी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की भी कहीं ना कहीं कुरान में एक आस्था है या उनको यकीन है कि मुसलमानों की आस्था कुरान में है, उसने उसी पर चोट पहुंचाई है तो कहीं ना कहीं उसने प्रधानमंत्री का भी अपमान किया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने प्रधानमंत्री का भी अपमान किया है, सारी पार्टियों का अपमान किया है और जो भी मुस्लिम लीडर है उनको भी किसी भी पार्टी से उनको एकजुट होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और उसको जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चीज बयान दिया था प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उसमें आस्था है, वो इसकी पाकिजगी जानते हैं तभी उन्होंने ये चीज बोली थी। और कुरान जो है हमारा एक पाक मुकद्दस किताब है जिस पे हमारा ईमान है, हम उसी के ऊपर निर्भर हैं। हमारा कुरान कभी ऐसी चीज नहीं सिखाता कि झगड़े हो, ना कहीं ऐसी कोई बात लिखी हुई। हमारा कुरान ये सिखाता है भाईचारा हो, माशरे में साफ सफाई हो, माशरे में एक दूसरे के काम आ सके। हमारा कुरान एक मुकद्दस पाकीज़ किताब है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश भर में उसके खिलाफ मुखालफत हो रही है, अलग अलग संगठन उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब वो कहीं अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा होगा? जी बिल्कुल अलग थलग हो गया, अब सारी पार्टियों में इनकी खुद की पार्टी ने मुझे लगता है अपना आपको इस बयान से अलग थलग कर लिया है। हम मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, बाकी जो भी इस पार्टी में लीडर मुस्लिम लीडर हो सबको एकजुट होकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और इसको पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए और इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। आगे कोई इस तरह की जुर्रत ना करे, किसी को किसी की धार्मिक आस्था पर सवाल ना उठाए, तो इसके लिए क्या कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है? मैं प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के इस पे कोई कानून ऐसा पास किया जाए कि कोई भी किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई गलत चीज, कोई गलत टिप्पणियां ना कर सके और जो करे उसको जेल के पीछे, उसकी सलाखों के पीछे उसको भेजा जाए।